और दोस्तों कल की सड़क दुर्घटना यानी लद्दाख में जो सड़क दुर्घटना से शहीद हुए फौजी वो एक बिहार के लाल थे, यानी कह सकते हैं पटना जिला के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के परियो गांव के। दोस्तों यहां पे हम स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। रामानुज यादव शहीद फौजी जिनके घर पे अभी कह सकते हैं मातम छाया हुआ है और लोगों को रो रो कर बेहाल अभी है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्थानीय लोगों से, जैसे कि रामानुज यादव के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर जी? बोलिए बोलिए ना, हमारे शहीद फौजी रामानुज भाई के बारे में आप कुछ बताना चाहिएगा कि उनसे कब आपका बातचीत हुआ था? बात तो हमें दो दिन पहले हुई थी। हाँ, बराबर ही बातचीत हुआ करता था, ज़्यादातर के हमारे बारे में ही वो सोचा करता था कि कैसे हैं, कैसी है आपकी तबीयत, सेहत कैसी है, इस चीज़ पे मतलब कि बराबर ही मोनिटरिंग करता रहता था। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि उनके घर पे बहुत सारे कह सकते हैं एक चमकता हुआ प्रकार से चमकता हुआ सितारा एक गुजर गया और तमाम प्रकार के यहाँ पे दुख छाया हुआ है। परिवार के लोग अभी रो रो कर बेहाल हो गए हैं और एक रामानुज यादव शहीद फौजी जो कह सकते हैं अपने भारत माँ के लिए, अपने देश के लिए, अपने कह सकते हैं जन्मभूमि के लिए अपनी वीरता को बलिदान दे दिए हैं। और अभी इनके भाई से हम मिले हैं, उनके बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए चैनल को अंतिम तक। और विशेष उसके बारे में हम क्या गांव वाले भी बताएंगे कि ऐसा सभ्य व्यक्ति जैसे ऑन ड्यूटी के बाद में जैसे भी छुट्टी आया करता था तो लोगों से मिलना किसी भी जात से हो, ऐसा कोई नहीं कि विशेष जाति धर्म से ही मिलना है, यानी किसी जात से भेदभाव भी नहीं करते थे, यानी कह सकते हैं एक प्रकार की तमाम आदमी थे जिनको सबको खुशी ही देते रहते थे। तो उसकी मतलब कि किसी से बात करने का तरीका भी अच्छा था, लोगों को अराजकता कभी के बारे में सोचना नहीं है, सही संदेश देना समाज में, लोगों से प्यार जीतना, उसके अंदर एक छवि थी। यानी कह सकते हैं कि चमकता हुआ सितारा सबों के दिलों में राज करने वाला एक वीर जवान जो हमारे आज इस देश में नहीं रहे, क्या बीत रहा होगा उनके परिवार पे आप समझ ही सकते हैं। और वो बता सकते हैं उनके कितने भाई थे? हम तीन भाई हैं। वो वीर जवान के तीन भाई थे, पिताजी का नाम क्या था सर? ललन यादव। पिताजी ललन यादव जो कि अभी कह सकते हैं बहुत ही हम बता नहीं सकते हैं आपको उनका एक कैसा हालत हो चुका है, एक आप जान सकते हैं वीर जवान के लिए उनके पिता के लिए अभी क्या बीत रहा होगा। चलिए हम गांव के परिवारों से पूछते हैं, गांव की परिजनों से पूछते हैं उनके बारे में, बताना चाहिए सर जी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत दुखद की बात है। आवाज़ में बोलिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ गाँव का ऐसा था जो मैं किसी से झगड़ा करता था, नहीं किसी का कुछ अगर बड़ा को सामान देता था, छोटे को जो है प्यार से समझाता था। आज ऐसा जो भतीजा लगता है खो गया, शायद ही मिलने वाला है। अब कह सकते हैं बहुत ही दुखद घटना है, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, परिवार को देखभाल करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परिवार का भी हाल बहुत ही बुरी हो चुकी है, हम बता नहीं सकते हैं आप लोग के बीच। तो इस मैं गुजारिश करते हैं आप लोग कि इनके घर के जितने भी हैं सपोर्ट करें और आने वाले समय में आपका अपना न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मिलते रहेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।